एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। तभी एक संत वहां आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, उसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर, भोजन का भोग लगाकर, खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए हैं नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था, कृपा करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि हमने इसका भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन नहीं छोड़ सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ भी देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ती है तो वे कम से कम वैद को तो दिखा देंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने गए। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है ना? संत बोले, हाँ भगवान की कृपा है। उसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया है और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया है। उसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।